हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुलाब का शरबत। जो हमने ओरिजिनल गुलाब का शरबत घर पे तैयार किया है, इसमें कोई एसेंस कोई कलर नहीं है। तो हमने यहाँ पर गुलाब के फूल लिए हैं खूब सारे, और वैसे तो ये साफ़ है लेकिन हमें इसे एक पानी में अच्छे से वॉश कर ही लेते हैं। तो हमने इनको एक बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है, और जो इसकी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है उसको हम निकाल लेंगे, और जो इसके पीछे जो गंठल होती है उनको हम हटा देंगे। और ये देखिए, हमने इतने सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर पानी। हमें आधा लीटर ही पानी डालना है, और इसमें एक उबाल आने के बाद इसमें हम सारी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो डाल देंगे। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक शेयर कमेंट करना, और जो हमारे चैनल पे नए नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये देखिए, हमें एक उबाल आने देंगे, इसे 3-4 मिनट लगती है उबाल आने के बाद। और ये देखिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच टार्टरिक, जो नींबू का सत होता है वो चौथाई चम्मच डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। और ये डालने के बाद जो ये जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ थी वो अपना कलर छोड़ देगी। ये देखिए, एकदम कलर छोड़ दिया है, हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, और ये एकदम ओरिजिनल गुलाब का शरबत बनके तैयार हुआ है। और इसे हम छान लेंगे ठंडा होने के बाद, जो इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो ऊपर रह जाएगी। और ये देखिए, ये एकदम गुलाब का जो पानी बनके तैयार हो चुका है। अब इसका हम बनाएंगे शरबत। तो हम एक स्टील का बर्तन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 500 ग्राम के लगभग चीनी। तो हम शरबत बना के रख रहे हैं तो चीनी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। और चीनी डालने के बाद वो पानी हम इसमें डाल देंगे, और इसे करछी से लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चीनी है वो तले में चिपके ना, और चीनी अच्छे से मिल जाए, अच्छे से घुल जाए, तब तक हमें इस तरह से चलाते रहना है। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अगर एक तार की चाशनी बना के रखेंगे तो ये शरबत लंबे टाइम तक चलेगा, और इतना टेस्टी बनता है कि आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर इस तरह से आपने एक बार बना लिया तो आप बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसे कम से कम हमें 17-18 मिनट हो चुकी है, और ये ठंडे होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये ठंडी हो गई है, 3-4 घंटे हो गए हैं, और एकदम ये जो शरबत एकदम गाढ़ा हो गया है, और ये देखिए एकदम रूह अफ़ज़ा जैसा दिख रहा है। और इसे आप कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, आप गिलास में आप डाल के रख सकते हैं, और जब कोई मेहमान आए तो आप फटाफट 2 चम्मच ये शरबत डालो, और ठंडा ठंडा पानी डालो, और ये गुलाब का शरबत बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों, इसे आप घर पे ज़रूर बना के देखना, गुलाब का शरबत इतना टेस्टी बनता है। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप नए नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ये गुलाब का सब कैसा बना है। थैंक यू, बाय बाय।